चलें जी, हमारा 11th लेक्चर, 11वां लेक्चर, जिसके अंदर कह लो कि आज हम यूज़ करेंगे ग्रिड व्यू को। ठीक है, ग्रिड व्यू कह लो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी डेटाबेसिस के साथ भी, ठीक है, और कह लो कि किसी भी व्यू करने के लिए जितना भी डाटा होता है, ला के उसे फॉर्म की टेबल की शक्ल में शो करना हो फॉर्म के ऊपर, तो ज़्यादातर ग्रिड व्यू यूज़ होता है। ठीक है, तो वो ग्रिड व्यू हम आज यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसको कैसे लोकली किया जाता है विदाउट डाटा बेसिस, वो उस तरीके से हम लोग आज इसको डील करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार ठीक है, एक हम ले लेते हैं कॉम्बो बॉक्स, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स आ गया। ठीक है, हमने ये ले लिया। उसके बाद एक लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, इसका लेबल लगा लेते हैं जनाब यहाँ पर, कोई भी हम लिख देते हैं इसकी कह लो कि MCS/MIT। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स आ गया जनाब ये वाला हमारा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और बटन ले लेते हैं जनाब हम लोग यहाँ से जाके, ये आ गया हमारा एक बटन। ठीक है, और इस बटन का हम लिख देते हैं ऐड। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनाब एड बटन। ठीक है, और ये हो गया कॉम्बो बॉक्स, एक कॉम्बो बॉक्स ही रहने थे, और ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और इसका हम लिखते हैं मार्क्स कितने हैं। ठीक है, हमने लेबल ले लेते हैं एक और यहाँ पे आगे, कितने परसेंट है मार्क्स की। ठीक है, परसेंटेज में हम कहते हैं जी मार्क्स लिखो कितने। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्क्स का और ये इसका। अब हम नीचे लगा लेते हैं ग्रेड व्यू। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये डाटा ग्रेड व्यू है हमारा। ठीक है, और अगर आप जाओ सेक्शन के अंदर इसके ग्रेड व्यू के, किधर गया ये ऊपर, तो ये भी है। ठीक है, यहाँ से भी उठा सकते हैं और ऊपर भी आपके पास ग्रेड व्यू, जी के अंदर आओ तो यहाँ पे ग्रिड व्यू किधर गया, तो ये ठीक है, इसको उठाओ इधर रख। ठीक है, ये आपका ग्रिड व्यू हो गया। ठीक है, और जनाब यहाँ पे ठीक है, ये ग्रिड व्यू आ गया। और फिर नीचे हम लोग लगा देते हैं दो बटन, एक क्लियर का, ठीक है, क्लियर बटन, ठीक है, ये हो जाएगा जनाब क्लियर करना हो ग्रिड व्यू को। ठीक है, और एक और बटन हम लगा देते हैं, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं एग्जिट। एग्जिट बटन, और इसका नेम है जनाब क्लियर बटन। ठीक है, ये है डाटा ग्रिड व्यू, और ये हो गया जी हमारा मार्क्स टेक्स्ट बॉक्स, MR के मार्क्स टेक्स्ट बॉक्स, और ये हो गया क्लास कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स वन ही रहने दो। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि यार इधर हम सेलेक्ट करें MCS से MIT, और यहाँ से हम मार्क्स उसकी परसेंटेज लगाएं और ग्रिड व्यू में वो हमें शो कर दें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं कि आपने जो सबसे पहला काम करना है ना, क्योंकि जब भी हमने ऐड बटन दबाना है ना, ठीक है, तो तब ये शुरू हो। ठीक है, ये हो गया जनाब हमारा ऐड बटन। ठीक है, ये ऐड बटन आ गया, और दूसरा हम लोग करते हैं फॉर्म लोड के ऊपर ही ना ग्रिड व्यू को, ये कॉम्बो बॉक्स को कर लेते हैं, कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड। MCS कॉपी MIT, ठीक है, और बिल्ड करते हैं
रन करते हैं, ठीक है। रन करने के बाद तो ये देखो हमारा एम सी एस एम आई टी कॉम्बो बॉक्स में आ गया है, ठीक है। अब इसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं अपना ये ऐड बटन के, अब ऐड बटन की कोडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ऐड बटन में कि इफ कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम चलो इंडेक्स से लगा के देख लेते हैं, ठीक है। इक्वल इक्वल माइनस वन है, ठीक है। अभी मैं इसको बताता हूँ कि इसका मैंने क्यों यहाँ पे रखा है, तो फिर क्या करें। माइनस वन का क्या मतलब मैं बताता हूँ, मैसेज बॉक्स शो कर दे डॉट शो, मैसेज बॉक्स के अंदर क्या शो करे, सेलेक्ट डिग्री, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि वो कॉम्बो बॉक्स वन के ऊपर डॉट फोकस कर, फोकस का याद है ना लास्ट टाइम हमने किया था लेक्चर में। अच्छा जी करता हूँ ये ऐड, वो देखो मैसेज क्या दे रहा है, डिग्री। और कहते हैं कि यार कहते हैं कि ठीक है अगर कोई इंडेक्स उसके अंदर अभी तक माइनस है, कोई वन या जीरो वन नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर उसको उसको पता चल जाएगा इंडेक्स लिख दो या आइटम सिलेक्टेड इक्वल इक्वल वो कर दो कि स्पेस है, ठीक है, तो देन भी वो मैसेज दे दे कि यार डिग्री तो सिलेक्ट करो, ठीक है। अब जैसे हम रन करते हैं दोबारा, मैं सिलेक्ट करता हूँ, अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, कहता है डिग्री सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी डिग्री सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करता हूँ, तो अब वो हमें देखो एरर नहीं दे रहा, ठीक है, वो मैसेज नहीं दे रहा, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आगे चलते हैं, ये तो होगी थी पहली लाइन, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी तो हमने करना है ना। कहते हैं जी एल्स इफ टेक्स्ट बॉक्स, क्या नाम है उसका, मार्क टेक्स्ट बॉक्स है, क्या रखा था नाम, रखा था उसका नाम एम आर के टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना, एम आर के टेक्स्ट बॉक्स डॉट टी एक्स टी, उसका जो टेक्स्ट है इक्वल इक्वल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी है, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी का पता है ना कि वहां पे कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ, सही है ना, ये भी हमने किया स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी एरर्स वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैसेज शो कर दे डॉट शो सिलेक्ट परसेंटेज इंटर परसेंटेज, ठीक है, और एम आर के डॉट फोकस कर, ठीक है। अब हम अगर बिल्ड करते हैं तो इस लाइन का मकसद क्या होगा, ठीक है जी, हम पहला नहीं करते तो कहते हैं जी डिग्री तो इंटर करें, ठीक है जी, सिलेक्ट करें डिग्री, हमने कहा जी एम सी एस, फिर ऐड करते हैं, वो कहता है जी परसेंटेज तो इंटर करें, हम कहते हैं जी 89%, फिर करते हैं ऐड, तो अब वो एरर नहीं दे रहा। अब ये दोनों चीज़ें हमारी ग्रिड व्यू के अंदर ऐड हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम लिखते हैं एल्स, सिंपल एल्स, ठीक है, ये एल्स की ब्रैकेट आ गई। अब एल्स की ब्रैकेट के अंदर हम लगाते हैं ट्राई का, ट्राई एंड कैच का कह लो, ट्राई, ठीक है, ट्राई करे फ्लोट फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल ले ले, इक्वल कर दे जनाब फ्लोट डॉट पार्स एम आर के बॉक्स डॉट टेक्स्ट के, ठीक है, ये हमने फ्लोट टाइप का ले लिया क्योंकि परसेंटेज के अंदर थी उसकी,
ठीक है, और फ्लो टाइप का हमने ले लिया ई एच पी आर, उसके जो परसेंटेज है, ठीक है, और वो उसके अंदर डाल दे, और किसके अंदर आप वो शो करें इसको कहते हैं जी डाटा ग्रिड व्यू वन, जो हमने उसका लिया हुआ है, ठीक है, डॉट रोज, उसकी जो रोज है उसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है, किस किस को, पहले तो ले कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, जो हमने सेलेक्ट किया उस वहाँ से आइटम, डॉट टू स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, और उसके बाद जनाब ऐड कर दे किसको, एम आर के टेक्स्ट को भी, डॉट टेक्स्ट को, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें ऐड चाहिए किसके अंदर, ग्रिड व्यू के, ठीक है, ये था ट्राई, और ट्राई के बाद होता है आपका कैच, ठीक है जी, वही हम कहते हैं जी मैसेज अगर कोई है कि अगर कोई मिस होती है तो कर दो जनाब एक्सेप्शन, ठीक है, और ट्राई कैच का, कैच का ये ब्रैकेट आ गई, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, क्या वो लिखा है परसेंटेज शुड बी न्यूमेरिक, हम अपनी एक्सेप्शन परसेंटेज शुड बी न्यूमेरिक, ठीक है, परसेंटेज शुड बी न्यूमेरिक होनी चाहिए, और फिर वो मार्क्स के ऊपर फोकस करे, तो इसमें एम के, एम के आर लिखा, क्या लिखा हमने, एम आर के डॉट फोकस, ठीक है, ये हो गया, अब करते हैं रन, यहाँ से करते हैं रन, ऊपर से करता हूँ एम सी एस, और करता हूँ जी 59% एड, परसेंटेज शुड बी न्यूमेरिक, अच्छा जी, उसने परसेंटेज शुड बी न्यूमेरिक, अच्छा जी यहाँ पे चले जाते हैं और लगाते हैं यहाँ पे, वो ऐड के अंदर आ ही नहीं रहा, ये पार्सिंग हमने आइटम 59 शुड बी न्यूमेरिक, ठीक है, तो देखते हैं कि ये ट्राई कैच का ब्लॉक कहां से कहां पे जा रहा है, मैं यहां पे लगाता हूं जनाब अपना, ये मार्क्स लगा दिए यहाँ पे, और करते हैं इसको रन, ठीक है, रन करने के बाद ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं 70% पर ऐड, यहाँ पे आ गया,
स्टेप ओवर यहाँ पे चला गया F1 के ऊपर, यहाँ पे आ गया, ठीक है वो भी फिल है, उसके अंदर डिग्री हमने फिल कर दिया, वो ये चेक करेगा, ठीक है ये भी फिल था वो भी चला गया, ट्राई कैच पे आया, फ्लोर पे गया, यहाँ पे रीड में गया, सेप्शन पे गया, ये गया गेट जनरल एक्सेप्शन कहता है शो डिटेल सिस्टम इनवैलिड ऑपरेशन नो रो कैन बी एडेड ऑन डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल दैट डज नॉट हैव कॉलम मस्ट बी एडेड फर्स्ट ओके जी स्टेप ओवर और एक्सेप्शन शो कर दी परसेंटेज शुड बी न्यूमेरिक। एक और बात लोग अच्छा ये ऐड किया एरर चेक किए ट्राई किया फ्लोट नॉट पास ये तो हमने पास कर दी ये भी कर दिया डाटा जो हमारा ग्रिड है उसकी रोज के अंदर ऐड करना है कॉम्बो बॉक्स कर दिया हमने ठीक है कॉम्बो बॉक्स से चला गया अच्छा खैर इसको चलो रोक के देखते हैं कि क्या कहता है ठीक है अब रन करके देखते हैं कि इसको शुड बी न्यूमेरिक क्यों कह रहा है ऑलरेडी हमने दिया हुआ है 89 आहा ये नहीं खाया था चलो यहाँ पे गए ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या एक्सेप्शन ये अलग है इसको ये रोज को इसी तरह ऐड कर देता होता है डाटा ग्रिड भी वन कॉलम्स ये और यहाँ पे हम लोग ठीक है टेक्स्ट बॉक्स इसको एक्सेप्शन की बजाय ऐड करना चाहिए परसेंटेज शुड बी न्यूमेरिक मैं ट्राई कैच ऑफ करता हूँ ये
सारे कमेंट्स कर दिए, अगर कमेंट्स कर दें तो हमारी ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होगी शायद इसके, रन करते हैं ताकि देखते हैं वो वहाँ पे जाता है और एरर क्या देता है, क्रैश करता है या क्या। 70 एरर, इसमें 70 आ गया, इनवैलिड ऑपरेशन एग्जीक्यूशन वाज अनहैंडल। ऑफ हो गया, नो रोज कैन बी एडेड टू द कंट्रोल दैट इज रिकॉल। एक मिनट मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या मिल गया। अब इसमें यह था कि हमने ग्रिड व्यू तो ऐड कर दिया था, ठीक है, ग्रिड व्यू ये हमने लगाया था ना, पहले ये ब्लैक था, ठीक है। तो ग्रिड व्यू का वो एक्सेप्शन का जो एरर दे रहा था ना, वो यही एरर दे रहा था कि यार ठीक है आपका ग्रिड व्यू तो डाला हुआ लेकिन उसमें ना कोई कॉलम है, ठीक है। ग्रिड व्यू आपका मैंने बताया था कि वो किसके साथ चलता है, आपका किस तरह काम करता है, जैसे आपका टेबल है तो टेबल में कॉलम होना ज़रूरी है ना, ठीक है, जिसके अंदर वो ऐड करेगा। तो वो वाला कॉलम हमने यहाँ से जाके ग्रिड व्यू पर क्लिक किया, मैंने क्लिक करके ग्रिड व्यू के ऊपर मैं इधर गया प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यहाँ पे कॉलम का टैब सेक्शन होगा, ठीक है, सी के अंदर जाके ग्रिड व्यू और ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम्स लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और फिर कहा कि दो कॉलम ऐड कर दो, एक कॉलम जो पहला होगा उसका नाम हमने रख दिया डिग्री के, यहाँ पे डिग्री नेम आएगा, ठीक है, और नीचे कॉलम था उसका हमने नाम जो है ना वो चेंज नहीं किया था, हम उसका नाम भी चेंज कर देते हैं, कॉलम टू हेडर है इसका जनाब, परसेंटेज परसेंटेज, ठीक है जी, ओके, ये परसेंटेज हो गया, सही है। तो अब हम अगर इसको रन करेंगे तो अब हमारा वो एरर ख़त्म हो जाएगा और हमें कॉलम्स अवेलेबल हो गए यहाँ पे। तो ये कॉलम्स को आपने बास का ज़हन में नहीं होता, आपने कॉल ग्रिड व्यू जब भी ऐड करो डायरेक्ट यहीं से करना है, तो आप इसके अंदर कॉलम वगैरह ऐड करने मस्ट है, आप कॉलम यहाँ से जाके ऐड कर सकते हो, कॉलम का ये सी के अंदर जाके ये कॉलम था यहाँ पे क्लिक करो और जहाँ से जाके ऐड कर दो, ऐड पे जाओगे पूछेगा जी कॉलम टू है इसका नाम ये है, ठीक है, इसका आपने हेडर क्या रखना है ऊपर नाम, ये वाला जो हेडर ऊपर आ रहा है आप करके ऐड कर दो, विड्थ बढ़ानी है दो कर दो, ये ऊपर हेडर है हमारा, इस कॉलम का डिग्री है और इसका परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरह फिर हमने क्या किया कि डाटा को रीबिल्ड करके इसको अपने प्रोग्राम को। तो अब हम अगर ऐड करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल एमसीएस है 70% 60% ऐड, फिर है जनाब एमआईटी ये है 90% ऐड, ठीक है, फिर है जनाब एमसीएस, अब करते जाओ जितना मर्जी ऐड, ठीक है, वो देखो सही है ना, वो इस तरह नीचे बढ़ता जाएगा और ऐड भी करता जाएगा। और करना है एमआईटी का तो आप और कर सकते हो जनाब 80% ऐड, फिर एमआईटी करना है एमसीएस तो आप दोबारा एमसीएस कर सकते हो, ठीक है, यहाँ देखो तो 100% ऐड, ठीक है। तो इस तरह देखो आप वो बार्स भी आना शुरू हो जाएंगी साथ आप, ठीक है। तो इसकी ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट है ना वो 76% ऐड, ठीक है, तो ये वाली बार्स हैं वो इस तरह आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रिड व्यू, और आगे हम लोग जो दो चीज़ें, एक तो सिंपल अगर आप ये करते हो डबल क्लिक इसके ऊपर एप्लीकेशन डॉट, वो तो हम कई दफ़ा कर चुके हैं डॉट एग्जिट की, ठीक है, वो वाला फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, सही है, ये हो जाएगा सेव, ठीक है। और एक और फंक्शन जो दूसरा हमने करना है कि क्लियर हो जाए ये सारा कुछ, तो वो सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक कर जाके आप करेंगे जी कॉम्बो बॉक्स 1.txt, ठीक है, इक्वल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ठीक है, और दूसरा भी आपने करना है जनाब एम आर के जो टेक्स्ट बॉक्स है डॉट टेक्स्ट इक्वल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ठीक है, और थर्ड है हमारा, हमने ग्रिड व्यू को भी तो करना है ना, तो ग्रिड व्यू के नीचे सारा गया हुआ है, वो भी हमने कहना है जी ग्रिड व्यू डाटा ग्रिड व्यू 1.rows डॉट क्लियर का फंक्शन लगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमारी, इसमें भी मैं रीबिल्ड करता हूँ, रीबिल्ड करने के बाद मैं करता हूँ प्ले, प्ले में जाके अब मैं अगर कोई ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल एमसीएस 89% ऐड हमारा एमआईटी
86% ऐड, ठीक है। तो अब मैं क्लियर करता हूँ ना, तो मेरी तीनों चीज़ें ऊपर वाली क्लियर हो जाएंगी, सही है। और मैं एग्ज़िट करता हूँ तो मेरा एग्ज़िट हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा था जनाब ग्रिड व्यू का। ग्रिड व्यू हमने टूल से जाके ग्रिड व्यू लगाया, ये कॉम्बो बॉक्स लगाया, और फिर हमने कहा जैसे एप्लीकेशन शुरू हो ना, लोड ऑफ फॉर्म, तो हमारे ये दोनों वो कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम ऐड कर दें, ठीक है जी। वो आइटम ऐड हो गए, उसके बाद हमने ये टैक्स बॉक्स लगाया हुआ है, ठीक है। और फिर हमने ऐड का बटन लगाया, और फिर हमने चेक्स लगाया हुआ है कि कोई चीज़ खाली ना छूटे। अगर कोई स्टूडेंट है वो खाली छोड़, यूज़र जो है वो पहला खाली छोड़ता है कॉम्बो बॉक्स, हम कहते हैं सिलेक्ट करें डिग्री। फिर वो मार्क्स का अगर खाली छोड़ता है, हम कहते हैं परसेंटेज जो है मार्क्स की, वो परसेंटेज डालो, ठीक है। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि यार ठीक है, हमने जो किया वो उसके अंदर जो है ना वो ऐड हो जाए, ऐड होने के बाद जो है ना वो रोज़ के अंदर चला जाए, ठीक है। और इसके अंदर एक ये चीज़ है, अगर हम इसको ना भी करें ये वाली ऊपर वाली लाइन, तो फिर भी हमारा जो है चलेगा, क्योंकि उस लाइन का मकसद नहीं है यहाँ पर। मैं और कुछ करना चाह रहा था तो ऐड करता हूँ तो सिंपल मेरे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है ये मैं अगर हटा भी देता हूँ तो इसका, क्योंकि एक और चीज़ मैं करना चाह रहा था, फिर मैंने कहा छोड़ो चलो उस वो, और फिर कहानी अगले वाले लेक्चर के साथ मिला हुआ है वो चीज़, तो उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रिड व्यू हमने कैसे यूज़ करना है पता चला ग्रिड व्यू का, ठीक है। ये ग्रिड व्यू होता है हमारा, इसको डाटा ग्रिड व्यू अमूमन होता ही है कि ये सारा डाटा जो है ना, ये आप जब करते हो ना सर्च करो, तो सर्च करने के बाद हमारा जो है ना वो डाटा ये उठ के एसक्यूएल सर्वर से आता है सारा। रिपोर्ट जिसकी बनती है ना, रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट देखो, तो ये सारा ग्रिड व्यू पीछे से उसमें चीज़ें लाता है, ठीक है। डाटा आके फिल होता है इसके अंदर, तो हम कहते हैं यार पुरानी रिपोर्ट दिखा दो, कल कितनी सेल हुई है, तो वो सारी इसके अंदर फिर नीचे शो कर देगा, ये कॉलम है जी इतना बंदा था, इसने ये किया, ये डेट का कॉलम है, इतनी सेल हुई, ठीक है, सारा डाटा इसके अंदर आएगा। तो ये था जनाब हमारा आज का लेक्चर ग्रिड व्यू के हिसाब से, ठीक है।